ये मुसलमानों की ईसाइयों के विरोध में काम नहीं, हिंदू हित में काम है। संघ किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी को नहीं डराएगा, लेकिन संघ स्वयं भी नहीं डरेगा और हिंदू को किसी को डराने नहीं देगा, हिंदू हित में काम करेगा। संघों को अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना है, संघ को देश के लिए सब कुछ करना है, और इसलिए संघ आपको बुलाता है। नहीं तो आज संघ जितना है संघ के लिए बस है, संघों को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आप अपना देश और दुनिया, उसके उद्धार का दूसरा मार्ग नहीं है, और इसलिए यह आह्वान संघ का सारे समाज को है कि संघ के कार्य के इस मर्म को समझिए। संघ का नाम नहीं सुना ऐसा दुनिया में भी कोई नहीं है। हर सोचने समझने वाला आदमी आरएसएस का नाम जानता है, लेकिन आरएसएस के काम को समझिए, केवल कार्यक्रमों पर मत जाइए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संघ जिस विचार को उत्पन्न करता है लोगों के मन में, और उस विचार के अनुसार व्यवहार करने वाला बलिष्ठ मन शरीर बुद्धि तैयार करता है, उस मर्म को समझिए। और उस मर्म को समझकर संघ के केवल हितैषी बनकर काम नहीं चलेगा, संघ के संस्कार को संघ के कार्यक्रमों में आकर प्रत्यक्ष ग्रहण करते हुए संघ के सहयोगी कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। खुला दरवाजा है संघ का, कोई छुपा काम नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। एक फॉर्म है, उसके अनुसार हम चलते हैं। दरवाजा खुला है, मन मर्जी आप आ सकते, मन मर्जी वापिस जा सकते, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह नहीं है, सब मन मर्जी का काम है। आइए दो साल देखिए, दो साल में अगर आपके ध्यान में आ गया कि आज मैंने भाषण में जितनी बातें कही उसमें से एक बात गलत है, तो आपके मर्जी के अनुसार आप बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दावे के साथ मैं आपको कहता हूं, पहले साल में आपको इन सब बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति संघ में मिलेगी, भाषण नहीं, संघ के कार्यकर्ताओं के स्वयंसेवकों के व्यवहार से इस बात का प्रत्यक्ष साक्षात्कार आपको मिलेगा। और इसलिए देश दुनिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए और स्वयं का जीवन अच्छा बनाने के लिए, यह जो आज उपलब्ध दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते के सहयोगी पथिक बनने का आह्वान करता हुआ मैं अपने चार शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। साधन उत्तिष्ठ आरम संघ दक्ष ध्वज प्रणाम एक दो तीन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।